Hey guys, welcome back to new vlog. मेरा नाम सीजर है और मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ही दीदी आने वाली है आज और मैं बहुत खुश हूँ. देखो मैंने घर भी सारा साफ कर दिया है ये सब और मैं खुद भी नहावा के रेडी हो गया हूँ. आप लोग व्लॉग में बने रहना, जब दीदी आएगी तो मैं दिखाऊंगा उसको कि मैं कैसे मारता हूँ. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. और मैं और सीजर बेसब्री से दीदी का इंतजार कर रहे हैं. कर रहे हैं ना सीजर? कर रहे हैं ना, है ना, कर रहे हैं ना हम लोग इंतजार दीदी का. तो हमें और सीधा दीदी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज आने वाली है दीदी. तो घर वर सब कुछ रेडी कर दिया है मैंने और सीधा ने मिल करके और बस उसका इंतजार है. सारा काम कर चुके हैं और जिया जी भी आ रहे हैं गाइस, मेरे फेवरेट पर्सन. सो गाइस, दीदी को आने में तो भी टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना एक आधा रील बना ली जाए, बिकॉज जिया जी आएंगे तो उनको भी टाइम देना होगा. तो अभी अक्षय भाई थोड़े बिजी हैं तो ये भी फ्री हो जाएंगे, तब तक हम लोग एक आधा रील बना लेंगे जिससे कि ये बेनिफिट रहेगा कि अगर जिया जी को भी हम टाइम देते हैं और इधर मेरा रील भी बनता रहेगा. वो बात अलग है, हम एडिट करके बाद में डालेंगे. सो ऐसे ही चल रहा है, अच्छा है. तो चलते हैं. वैसे जिया जी अभी 10 बज रहे हैं, जिया जी अभी तक आए नहीं है, अभी तक आधे घंटा और लगे उनको. तो आएंगे तो देखते हैं. बाकी आप लोग ये देख लो ये क्या बनाया मैंने. ये बेसिकली पोस्टर मैंने ही बनाया है, वाइंस वाले छोरे. जाओ इंस्टाग्राम पे, इसको बहुत सारा प्यार दो, इस पेज को बहुत सारे फॉलोवर्स करवाओ करो और इतना प्यार दो ना कि बस दुनिया देखती रह जाए. और ये हमारे प्यारे 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 स्वीट से भाई, और ये हमारे लेके आए जन्नत. जन्नत की प्याली है ये गाइस. चाय के शौकीन है, चाय के प्याले हैं, जो बहुत प्यारे हैं वो चाय के प्याले हैं. जिया जी और दीदी आने वाले हैं तो हम निकलते हैं. हमने दो तीन वीडियो बनाई है आज. जैसे हमने अक्षय भाई तीन वीडियो बना दी ना. हाँ, तीन वीडियो बनाई. हमारी सारी अच्छी होती है, हम खुद की तारीफ. हम कंटेंट इतना बढ़िया बनाते हैं, अच्छी तो होगी. हम खुद की तारीफ खुद कर लेते, तुम लोग तो करते नहीं हो. तो गाइस दीदी आने वाली है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे नींद भी आ रही है. तो गाइस फाइनली देखो ले, हमें ले लो यार, तुम्हारा मन तो कर ही रहा होगा कि कुछ खा लेती हूँ. कैसा लग रहा है? हम सब मिल भी नहीं किए हैं. कौन आया सीधर? कौन आया है? दीदी आ गई सीधर. बहुत गुस्सा है तुमसे, क्या बहुत गुस्सा है तुमसे, बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है. हट जाओ पीछे. पता नहीं कहाँ चली जाती. गेट बंद कर दे सीधर, गेट बंद कर दे. इस लड़की को देख लो, ये अपने पति का टी शर्ट पहन के आई है घर में गप्पू बन के. गाइस यहाँ दामाद जी के लिए खाना निकला जा रहा है. गप्पू देखिए, चलो छू के देखो.
कपू तुम भी चलोगी? चल तो भाई जब हम आ गए हैं गाड़ी में, हमने किसी ने भी चेंज नहीं किया बिकॉज हमें छोटी मोटी शॉपिंग करानी है दीदी को, तो वो करवा लेते हैं और चलते हैं। अब दीदी आई है तो अपने एकदम जिगरी मार्केट ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ कहना है आपको? नहीं। बहुत ही गंदी बेइज्जती की गाइस इन्होंने ना कह करके। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप लोग का दुख दर्द। तो गाइस हम लेके आए हैं जिया जी को अपने दिल्ली के पहाड़ वाले इलाके में। आप लोग भी देख लो, जिसे दिल्ली के पहाड़ नहीं देखा है कैसा लगा जिया जी दिल्ली में आकर के? बस बहुत है, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है, जिया जी पहाड़ के बहुत नज़दीक रहते हैं ना, इसलिए जिया जी को गर्मी लग रही है। बाकी हम भी ले आए हैं पहाड़ वाले इलाके में और देखिए कितना सुहाना मौसम है, कितनी सुहानी रोड है, तो चलते हैं। तो गाइज वी आर रीच। गाइज वैसे मैं और जिया जी तो आए थे यहाँ पे खाने, भूख पूरी करने, अपनी पेट पूजा, पर ये देखो ये क्या खर्चे से हो रहे हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको शादी करके यहाँ खड़ा करके? वो रही ये लड़की पेट पूजा के लिए आई थी और जेब खाली करवा रही है यहाँ पे अपनी। तो गाइस एक मोटी शॉपिंग करने के बाद हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। इस लड़की की शादी हो गई है और शादी हुए हुए 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और ये अभी भी इसके स्कूल वाली ड्रेस वाली हरकतें हैं। ये इसको स्कूल पे आज बताए अपने आपके आस पास कोई स्कूल होगा ना उसमें ड्रेस पहना के भेज दीजिएगा, 7th क्लास की लड़की है। सो गाइस ड्राइविंग सीट पे मैं आ चुका हूँ, अब हम लोग घर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं बेसिकली। और हमेशा की तरह हमें एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा जाम मिला है जिसको देख के जिया जी बहुत खुश हो गए। कितनी खुशी है आपको इस जाम को देख के? क्या बताएं, खुशी अल्फाजों में बयां करी जाए तो चैनल पे डाल नहीं पाए। तो भावनाओं को समझ सकते हैं, भाव और भावनाओं को समझ सकते हैं गाइस। बाकी लेट हो रहा है मुझे थोड़ा सा, फटाफट चलते हैं इसलिए। Hi guys, how are you doing today? तो गाइस आप इस लड़की को आज तक ट्यूशन पढ़ाते हुए देखा होगा, आज पहली बार ये चूल्हे के सामने खड़ी है और ये पहली बार खाना बना रही है सबके लिए। कैसा लग रहा है, कहाँ से सीखा आपने ये सब चीजें? ये मेरी सासुमा ने ये रेसिपी सिखाई है, मतलब मोटिवेट किया कि मुझे बनाओ, मैंने मोटिवेट करके ये बनाया है। तो आज मैं जाने जा रही हूँ कैसे बनता है हमारे ससुराल में खाना। तो गाइस देखते हैं कैसा बनाती है। यहाँ तो इसने कभी एक गिलास पानी भी किसी को नहीं दिया, अब देखते हैं कैसा बना के खिलाती है। पिछली ब्लॉग किसी ने देखे हो, बनाया जाती थी सब लोग, तो बनाती थी। तो बना क्या रही हो? पनीर अंगारा। तो गाइस फाइनली दीदी ने कुछ बना के लाई है, अब मैं दिखाता हूँ क्या बनाया दीदी ने। रिवील पनीर अंगारा। पर इसमें अंगार दीदी ने अपने गुस्से को निकाल के इसमें डाल दिया है, इसीलिए इसका नाम इसका पनीर अंगारा बन गया। दीदी ने बहुत गुस्से में बनाया है, इसलिए पनीर अंगारा बनाते हैं। तो आज पहली बार डैडी दीदी के हाथ की सब्जी खाएंगे, तो डैडी से पूछेंगे कैसा बना है। खा के बताइए डैडी कैसा बना है। बहुत बढ़िया, सच बताइएगा एकदम सही, बहुत बढ़िया। चलो पास हो गई लड़की, पैसा भी देना पड़ेगा जो खाना अच्छा बनेगा। तो गाइस कल दीदी ने पनीर वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था, एकदम यमी वाला। तो उसको खाने के बाद तो हमने मस्त जिया जी के साथ बैठ के हमने आधी रात तक चैटिंग की, बात की, फिर जिया जी चले गए और अभी मैं और देखो वो वहाँ बैठी है, यहाँ पे बैठे। तो व्लॉग आगे आते रहेंगे, आप लोग परेशान ना हो। थोड़ा सा मैं इंस्टाग्राम पे कुछ काम कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई यहाँ पे व्लॉग नहीं आ पा रहे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्लॉग आएंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, बहुत जल्द अगला व्लॉग आएगा और बहुत स्पेशल चीज़ आने वाली है दीदी से रिलेटेड। तो वेट एंड वॉच, बाय गाइस।